हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। प्रतिशत त्रुटि जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने अभी तक सीखे न्यूमेरिकल्स को लगाना, क्योंकि थ्योरी हम लोग पूरी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल लगाकर अलग अलग हम लोगों ने फॉर्मूलों से अलग अलग न्यूमेरिकल लगाया है, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात क्या है इस चैप्टर में, ये है कि इस चैप्टर से हमें थ्योरेटिकल पूछने के लिए बहुत कुछ है नहीं, ठीक है। थ्योरेटिकल पूछने के लिए हमारे पास पूछ दिया जाएगा एरर यानी त्रुटि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, त्रुटियों का यूज किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। इनके जो प्रकार हैं उनके नाम पूछ दिए जा सकते हैं, सिस्टम में जो त्रुटि होती है उन्हें क्या कहते हैं, या अलग अलग यादृच्छिक त्रुटियाँ यानी अनियमित त्रुटियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं कोटिमान, सार्थक अंक और मापन से भी। अच्छा, ये सारे चैप्टर इसी में इंक्लूडेड है, क्योंकि हम मेज़र कर रहे हैं, हम मापन कर रहे हैं, माप करके हम उन चीज़ों के सही मान कैसे प्राप्त करें। कुल मिलाकर ये जो चैप्टर है वो इसी पर बेस्ड है, क्लियर है। अच्छा, तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी एक न्यूमेरिकल है, एक आंकिक प्रश्न है। तो ये जो आंकिक प्रश्न है वो क्या कह रहा है, ये जो आंकिक प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि वृत्ताकार प्लेट है और इस प्लेट की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या और जो प्लेट पर लगाया गया बल है इन दोनों के मान हमको दे रहा है, लेकिन प्रतिशत त्रुटि के रूप में दे रहा है ना, कि इस प्लेट की त्रिज्या और इस पर लगाए गए बल के मापन में जो प्रतिशत त्रुटि होती है वो होती है 1% और 2% की, ठीक है। तो प्लेट पर हमें आरोपित दाब की गणना करनी है। बात समझ में आ रही है, थोड़ी सी कम अच्छे से करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, ये जो आपको दे रहा है त्रिज्या उसमें कितनी प्रतिशत त्रुटि है 1, ये जो दे रहा है बल इसमें कितनी प्रतिशत त्रुटि है 2, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है, तो ऐसे ही लिखेंगे दिया है। क्या लिखते हैं, दिया है। क्या दिया है भैया हमको, हमको दिया है सबसे पहले त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि लिखने का तरीका डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इज इक्वल टू कितना है 1%, क्लियर। अच्छा, फिर हमको दे रहा है बल्ब में प्रतिशत त्रुटि, तो डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100 की वैल्यू हमको दे रहा है 2%। और पूछ रहा है तो पूछ रहा है हमसे दाब में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इज इक्वल टू क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं, प्रश्न के अनुसार बात कर रहे हैं, यानी प्रश्नानुसार बात करते हैं। प्रश्नानुसार अगर हम समझना कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले प्लेट की त्रिज्या दे रहा है और दाब का सूत्र हमें पता है। मैं साइड में बता रहा हूँ, P इज इक्वल टू क्या होता है F बाई A होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है F बाई A, यानी दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई, यानी अब आपको अगर वृत्ताकार डिस्क है तो इसका क्षेत्रफल पता करना है। वृत्ताकार डिस्क का क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखेंगे वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर, क्लियर। ये अगर हमें पता है तो हम सीधे से बात करेंगे दाब के सूत्र से, दाब के सूत्र से क्या होता है दाब का सूत्र, दाब का सूत्र होता है पी इज इक्वल टू एफ बाई ए, पी इज इक्वल टू एफ बाई ए। अब यहाँ पर आओ जरा थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं, अब हम लिखते हैं इसको सापेक्ष त्रुटि के रूप में, ठीक है। या चाहो तो यहीं पर पहले आप फॉर्मूला ब्रेक कर लो, तो एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसे आप लिखो सापेक्ष त्रुटि के रूप में, क्या होता है सापेक्ष त्रुटि के रूप में, डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल डेल्टा एफ अपॉन एफ, ये तो सिंपल हो गया। लेकिन पाई तो कांस्टेंट है, हटाने पे कोई परिवर्तन नहीं होना है। अब बचा है आर, आर को अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे प्लस का डेल्टा आर अपॉन में है, कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन आर स्क्वायर है
तो जो पावर होती है वो भी आगे आ जाती है, यानी 2 into delta R upon R। क्लियर? अच्छा, अगर क्लियर हो गया है तो ये मान के चलो आपका न्यूमेरिकल भी अब सॉल्व हो गया है। बस इसको हमें क्या करना है, प्रतिशत त्रुटि के रूप में लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रतिशत त्रुटि के रूप में, जब हम प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिखें तो हम लिखेंगे डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इज इक्वल टू क्या है बच्चा, डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100 प्लस डेल्टा सॉरी 2 into डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। ठीक है, तो अब ये तो हमें ज्ञात करना है, जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा है ये हम ज्ञात करने के रख देते हैं। इक्वल डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 2% प्लस 2 into डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 1%, यानी डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2% प्लस 2%, यानी कितनी हो जाएगी 4%। दैट्स योर आंसर। चाहे तो यहाँ लिख लो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 4%। दैट्स योर आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझने के लिए आप इस वीडियो को अगर देखना चाहो ध्यान से थोड़ा सा पीछे से एक बार रिवाइंड करके भी देख सकते हो। बरा अगर आ गया है तो अब आप क्या करोगे, इसकी कोशिश करोगे, इसके लिए प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो को पॉज करो, एक बार नोट करो, नोट करने के बाद फिर इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत टफ क्यों, क्योंकि कुछ फॉर्मूले आपने पढ़े नहीं होते हैं और न्यूमेरिकल्स को लगाने में उन फॉर्मूलों का यूज करना होता है। ठीक है, तो ये भी कुछ उसी प्रकार से है। वैसे 9th में फॉर्मूला आपको बताया गया होगा कि सरल लोलक क्या होता है और उसके आवर्तकाल को अगर हमें ज्ञात करना है तो क्या होता है। आवर्तकाल मतलब होता है एक दोलन करने में लगा समय। तो यहाँ पर भी वही है, कह रहा है कि 1 meter लंबाई का क्या है, एक सरल लोलक है, एक सरल लोलक है जिसके डोरी की लंबाई कितनी है 1 meter है। ठीक है, उसमें जब दोलन हो रहे होते हैं तो वो 10 seconds में या 10 दोलन करने में कितना समय लेता है, 20 seconds लेता है। ये हमने मापा एक स्टॉप वॉच से। अब बताया गया कि जिस स्टॉप वॉच, जिस विराम घड़ी से इसको नापा जा रहा है, उस विराम घड़ी का अल्पतमांक, अल्पतमांक मतलब एक दोलन करने में जो त्रुटि हो सकती है उसका मान है, वो कितना है 0.1 second है। तो ये बताना है कि अगर इस विराम घड़ी से हम स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उस जी की वैल्यू में कितने परसेंट की एरर रहेगी। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर नहीं समझ रहे तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लिया जाए कि 1 meter लंबाई का क्या है, एक लोलक है, और उस लोलक से जब 10 दोलन होते हैं तो 10 दोलन होने में 20 seconds का समय लगता है, और ये समय मेजर किया जाता है स्टॉपवॉच से, विराम घड़ी से। ठीक है, अब एक दोलन करने में या उस विराम घड़ी का जो अल्पतमांक है वो 0.1 second है, यानी एक दोलन करने में जो भी आपका चेंज आएगा वो कितना आएगा 0.1 second। ठीक है, ये त्रुटि हो जाएगी। तो ये बताना है कि अगर हम इसी फॉर्मूले पे दोलन कराते हुए स्मॉल जी के मान की वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमने बताया है कि हम क्वेश्चन को तब ही कर सकते हैं जब उनको ये पता चल जाए कि उसमें दिया क्या क्या है। तो देखो भाई, यहाँ पर आपको जो दिया गया है वो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, डोरी की लंबाई कितनी है 1 meter। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ दोलन कितने हैं 10, समय कितना लगा 20 seconds। ठीक है, अल्पतमांक कितना है डेल्टा ई, जो कि यही तो त्रुटि है, वो कितना है 0.1 second। ठीक, आपसे क्या करना है, स्मॉल जी की वैल्यू चेंजेस फाइंड करने हैं, वो भी परसेंटेज एरर के रूप में, यानी डेल्टा जी अपॉन जी इनटू 100
की वैल्यू आपको क्या करनी है, क्या है। अब हमें क्या करना है, इसको बनाना है, इसको ज्ञात करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा काम करते हैं। सबसे पहले आपको अगर स्मॉल जी के मान में जो भी चेंजेस आने वाले हैं परसेंटेज एरर के फॉर्म में, उसको देखना है। उसको देखने के लिए ये तो देखो कि इसमें लंबाई का क्या रोल है, लंबाई में क्या, क्योंकि भाई स्मॉल जी की वैल्यू दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी, लंबाई पर और आवर्तकाल पर। आवर्तकाल के लिए आपको आवर्तकाल में जो परिवर्तन है वो तो दे रहा है, आवर्तकाल की त्रुटि तो दे रहा है, क्या लंबाई में कोई त्रुटि हो रही पूरे क्वेश्चन में, कहीं कोई त्रुटि के बारे में, किसी त्रुटि के बारे में नहीं बताया गया। अगर लंबाई में किसी प्रकार की त्रुटि के बारे में नहीं बताया गया तो इसका मतलब ये है कि लंबाई में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी, समझ गए ना। यानी अगर लंबाई में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी है तो इसका मतलब है कि लंबाई में कोई चेंजेस नहीं है, यानी आगे न्यूमेरिकल में लंबाई का कोई यूज नहीं करना है। फिर दूसरी बात आती है कि अब अगर जी की बात हम करते हैं तो टी पे डिपेंड करती है, और टी के लिए यानी आवर्तकाल पता तो होना चाहिए। तो आवर्तकाल आप ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, टी बराबर होता है कुल दोलनों की संख्या, क्या होती है, कुल लगा समय बटे दोलनों की संख्या, लगा समय यानी स्मॉल टी अपॉन दोलनों की संख्या यानी एन। अब जरा देखो ध्यान से, स्मॉल टी आपके पास कितना है, 20 सेकेंड है, कितना है 20 सेकेंड है, कितने समय लग रहा है 10 सेकेंड में, तो एक दोलन करने में जो समय लगा वो कितना आ गया 2 सेकेंड, एक दोलन करने में जो समय लगा वो क्या आ गया 2 सेकेंड। देखो टी पता चल गया, डेल्टा टी पता चल गया, हम कोशिश करते हैं कि इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही बात कर रहे हैं, 4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर। अब क्या किया जाए, सबसे पहले तो इसको क्या लिखा जाता है, सापेक्ष त्रुटि के रूप में, सापेक्ष त्रुटि के रूप में, चलिए लिखिए। तो ये बनेगा डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल 4 पाई स्क्वायर, कॉन्स्टेंट वैल्यू में हट जाएगी, तो ये आ गया डेल्टा एल अपॉन एल, फिर से अपॉन में टी स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी, क्लियर। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे प्रतिशत त्रुटि के रूप में, किसमें बनाना है, प्रतिशत त्रुटि के रूप में। अगर हम प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिखेंगे तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इक्वल क्या आ गया, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। ठीक, हमने बताया लंबाई में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है, अगर लंबाई में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है तो इसके मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसको हटा दिया जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। अब फिर आओ वैल्यू रखते हैं, 2 इंटू डेल्टा टी का मान लिया कितना है, 0.1 अपॉन 2 इंटू 100, तो ये कैंसिल हो गया और कितना आ गया 10। ये जो 10% ये है स्मॉल जी के मान में चेंजेस, यानी स्मॉल जी इंटू जी अपॉन डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 की जो वैल्यू है वो कितनी है 10%। यानी अगर हम इस पूरे सिस्टम से गुरुत्वाकर्षण को मेजर करेंगे तो वो हमें कितनी मिलने वाली है 10%। ठीक है, तो प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।